हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनका एग्जाम जुलाई में है, री एग्जाम 12th महाराष्ट्र बोर्ड, या जो स्टूडेंट्स री इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो क्या उनका एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में होगा क्या नहीं होगा, ये साल उनका वेस्ट होगा क्या होगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट आता है रिलेटेड टू द एडमिशन को लेके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो हम उसका अपडेट आपको जरूर देंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा देखो, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, एकदम शॉर्ट में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो स्टूडेंट्स री एग्जाम दे रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम 10 अगस्त को खत्म हो जाएगी, ठीक है, 12th के भी और 10th के भी। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड में अगर आप हो, तो क्या आपका मुंबई यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा ऑप्शन। सबसे पहली बात तो देखो, आपका रिजल्ट आने वाला है सितंबर के स्टार्टिंग में या तो फिर अगस्त के एंडिंग में। कुछ कॉलेजेस क्या करती है, आपको एडमिशन देती है, ऑफलाइन एडमिशन होगा या तो ऑनलाइन, अगर ये लिंक ओपन रहेगी मुंबई यूनिवर्सिटी की तो आपको ऑनलाइन एडमिशन मिल जाएगा पर्टिकुलर कॉलेज में। लेकिन क्या होगा ना, मोस्टली सभी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएगी और जो सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम्स होते हैं उसके 25% पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज ताकि अक्टूबर या नवंबर में उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो सितंबर तक उन लोगों को 25-30% पोर्शन कंप्लीट करना रहता है, और मोस्टली कॉलेजेस की सीट फुल हो जाती है, तो आपके पास में मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते, या तो लिंक क्लोज भी हो जाती। तो सर फिर हमारा री एग्जाम क्यों लेते हैं, हमारा एग्जाम डायरेक्टली अक्टूबर में भी तो ले सकते थे ना। देखो, री एग्जाम जुलाई में ले रहे तो आपके पास में ये बेनिफिट है कि आप यूनिवर्सिटी के मुंबई में जो दो ऑप्शन होते हैं, आप एक रेगुलर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 100% आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। सर डिस्टेंस क्या होता है, आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। इसमें क्या होगा, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई होती है, लेकिन इसमें आपको फॉर्म भर के सिर्फ अपने घर से पढ़ाई करनी रहेगी, और इसके भी अब पैटर्न कैसा हो गया है, ईयरली आला बंद हो गया है, अब सेमिस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, तो आप इसके थ्रू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो चांसेस, और अभी आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना है, ताकि आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने नजर में जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो आप तो एचएससी फेल हो, री एग्जाम का मतलब फेल ही हो गया। जब तक आप ऑल सब्जेक्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको या तो रेगुलर में चांसेस कम है 80-90%, 100% आप आइडल में एडमिशन ले सकते हो। आइडल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आइडल होता क्या है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, डिटेलाइज हो गया है, ठीक है। तो अब आपके मुझे लगता है कि डाउट्स क्लियर हो जाएगी, सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। चांसेस रेगुलर में तो कम है, अगर लिंक ओपन रही तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आपको आइडल में एडमिशन लेना पड़ेगा। प्लस आइडल का एक डिटेल में मेरा वीडियो ऑलरेडी है, उसको देखना। अभी आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करना है, ओके। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है या तो डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और एक हमारा सेपरेट ग्रुप है री एग्जाम, एचएससी री एग्जाम का, तो अगर आप उसमें ज्वाइंट होना चाहते हो तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हो। लेकिन प्लीज़ 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 चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट आएगा या वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।